श्री शिवाय नमस्तु। जितने आस्था से नक्र कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। 16 श्राद्ध चल रहे हैं, प्रयास करिएगा अपनी जिंदगी में, हिम्मत मत हारो। मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारा बेटा कहीं पर भी पढ़ाई कर रहा हो, कहीं पर भी विद्या अध्ययन कर रहा हो, कहीं पर भी वो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, किसी भी जगह पर कंपटीशन एग्जाम में वो बैठे, मेरा माताओं से निवेदन है, श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है। बस शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कोई बड़ी बीमारी है, गठान है, और ये गठान, ये गांठ गर्भाशय में आ गई, ये गांठ कहीं शरीर में आ गई, और तुम्हें लग रहा है कि ये तकलीफ देगी और जांच के लिए जाएगी। उसके पहले आप कोई बड़ी जांच कराने के लिए जा रहे हो कि डॉक्टर ने बोला है कि इनको ये बीमारी हो रही है, इनको ये रोग हो रहा है, इनको ये तकलीफ, आप डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर दवाई दे, उसको खाओ। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है, जैसे शिव महामृत्युंजय है तो जगत के जितने डॉक्टर हैं ये भी महामृत्युंजय का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। आप इनको दिखाओ, डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप है, ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर को नहीं मानोगे, डॉक्टर शिव का एक तत्व स्वरूप माना, मां मृत्युंजय माना, आप दिखाओ। और यहां शास्त्र कहता है जब आप डॉक्टर की जांच कराने के लिए जाओ, उसके पहले कुशा का जल, अगर महादेव जी की जो जलाधारी होती है, जब तुम्हें लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, उसके पहले कुशा का जल, टाप का जल, ये अशोक सुंदरी का स्थान जहां पर है और शिवलिंग का जो स्थान है, इसके बीच में जो जगह खाली पड़ी रहती है, इस स्थान पर अगर हम कुशा का जल, डाब का जल चढ़ा देते हैं और उस जल को उस स्थान पर जहां तुम्हें लग रहा है कि इसकी जांच होने जा रही है, उस स्थान को लगाकर जांच के लिए जाते हैं, कभी जिंदगी में बड़ा रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। कुशा का जो जल होता है, डाब का जो जल होता है, ये साधारण जल नहीं होता महाराज जी, इसको साधारण नहीं करते। पितृ लोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटी हैं, मैना, धन्या, कला। पितरों की 3 बेटी, मैना, धन्या और कला। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण करकर शंकर जी से विनय करकर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप? और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चलेगा। लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिव जी को चढ़ा कर। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।